देंगे पपाया, देखिए रोज वाटर लिया है और इसके साथ हनी लेंगे, तो इसको लेके क्या होगा, क्या कैसे करेंगे, ब्लैक स्पॉट कैसे हटाएंगे, सुनिए गौर से और टिप्स फॉलो कीजिए। तो दोस्तों मैं आर्यन प्रिंस राय तो फिर से नया एक वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। देखिए ये जो है अंडरआर्म में जो है शेविंग के बाद जो ब्लैक स्पॉट होता है, ये वीडियो बहुत किया है आप लोगों ने देखा है, पर क्या है मैं जो करता हूँ एकदम यूनिक टिप्स लेके आता हूँ, क्योंकि देखिए घर में मतलब किसका क्या सुविधा है हम लोग नहीं जानते, मतलब मैं जो टिप्स देता हूँ सब अपने अपने घर में नहीं मिलता है, मैं होम रेमेडीज देता हूँ तो इसलिए और भी नया देता हूँ कि आप लोगों को सुविधा हो। तो ये जो है अंडरआर्म में शेविंग के बाद जो है ब्लैक स्पॉट जो आ जाते हैं, देखिए ये जो मॉडल को लिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर, पहले ही बोला है अब लोगों को देखने में आसानी होगा, तो देखिए इतना सुंदर मॉडल, इतना सुंदर स्किन है, पर स्किन कलर के साथ क्या होता है अंडरआर्म का कलर देखिए शेविंग के बाद थोड़ा मतलब काला हो गया, थोड़ा डार्क स्पॉट आ गया। तो क्या करेंगे आप लोग, सीधी बात है पपाया जो है, पपाया हनी और रोज़ वाटर एक साथ पेस्ट करेंगे, पेस्ट करके रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले भी कर सकते हो या दोपहर में नहाने से पहले भी कर सकते हो। अब लोग अंडरआर्म वो एरिया में लगाना है जहाँ पर ब्लैक स्पॉट है, लगा के थोड़ा मसाज करना है, फिर 15-20 मिनट रख देना है, फिर ठंडा पानी से धो देना है। ये अगर आप लोग करते रहिएगा 21 डेज बाद ही आप लोगों को फ़र्क दिखेगा, आप लोगों का असली जो स्किन है स्किन के साथ देखिएगा कि मैच कर जाएगा। तो दोस्तों ये आप लोग अप्लाई करिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आशा करते हैं। थैंक यू।